अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तब मेरे पास ये GX6805 मॉडल रिसीवर है। ये आप देख सकते हैं F1 F2 के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसमें आप लोगों के सामने ये चेक कर देता हूँ कि इसमें की बिस्की कैसी ऐड करनी है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसमें बिस्की का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो जब भी इसमें कोई बिस्की का ऑप्शन नहीं आता तो आप इसे कोड में आप इस पे मेन्यू दबा के जब डबल छे तो यहाँ पर ये पेज का ऑप्शन जो है आ चुका है। आप यहाँ पर इसकी बिस्की जो है बिल्कुल ऐड कर सकते, और इसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4004 लगा के यहाँ पर वी है, यहाँ पर SID Active 1, ID सर्विस जो है वो B1 है, ये SID यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ ओके येलो बटन, और यहाँ पर भी आप इसे बिल्कुल यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसकी बिस्की जो है वो A B C D 10FF, फिर 111, 365 एंड FF। यहाँ पर आप इसे येलो बटन से प्रेस करके इसे ओके करें, ओके दबाइए। अभी आप देख सकते हैं मेरा PTV जो है वो तकरीबन चल चुका है, आप देख सकते हैं, और PTV स्पोर्ट जो है वो चल चुका है। जब भी अगर आप लोगों के अगर यहाँ नहीं तो इसमें यहाँ पर ग्रीन बटन दबा के यहाँ पर बिस्की भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप ओके करके यहाँ आप इसमें बिस्की ऐड कर सकते हैं। तो यह A B C D 10FF 111 365 FF, यह भी आप इसे कर सकते हैं, और ओके प्रेस करके ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। और ये वीडियो है सिर्फ इसमें बिस्की ऑप्शन इनेबल की। अब इसमें एक अगर मैं यहाँ पर मेनू पर डबल छे लगा के आपने देखा पेज जो है वो गायब हो चुका है। एक बार फिर से मैं इसमें डबल छे दबा के आप देख सकते हैं मेरे पेज जो है वो दोबारा आ चुका है। आप ये देख सकते हैं इसमें पेज वाले ऑप्शन आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सलाम वालेकुम।